हेलो फ्रेंड्स अब हमको देखना है रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है स्टोक्योमेट्री के चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस यूजिंग रेडॉक्स कंसेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन कंसेप्ट मतलब जो टाइट्रेशन वाला जो कंसेप्ट है इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो पहले देख लेते हैं हम वॉट इज रिडक्शन एंड वॉट इज ऑक्सीडेशन वैसे तो एक कंसेप्ट आपको टेंथ क्लास में हो चुका है फिर भी हम उसका रिवीजन करेंगे देखिए पुरानी कंसेप्ट क्या थे ऑक्सीडेशन के देखो ऑक्सीडेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन इज अपोजिट ऑफ रिडक्शन उल्टा होता है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ देखिए यह पहले दिया है ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ राइट पहले यहीं पर ध्यान दीजिए जबकि रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया है डाइ so ऑक्साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ यहां पे पे गेन ऑफ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है है तो लॉस सेकेंड कंसेप्ट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्राइड ने यहाँ पे हाइड्रोजन को लूज़ किया है देअ मैग्नीशियम हाइड्राइड का क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन उसके उल्टा गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल्स जब हाइड्रोजन को गेन करते हैं तो उनको ऑक्सीडेशन होकर वनस्पति घी बन जाता है उसके बाद है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक्चुअली होता है इंक्रीज ऑफ चार्ज यह फाइनर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और यही रियल कंसेप्ट है मतलब बाकी के कंसेप्ट के साथ अगर कभी ये मैच नहीं होता तो हम इस कंसेप्ट से चलेंगे देखते हैं कैसे तो सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीजिंग चार्ज देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है इंक्रीज इन चार्ज इलेक्ट्रॉन कम हो रहे मतलब प्रोटॉन का रिलेटिव नंबर बढ़ रहा है और इसलिए चार्ज तो बढ़ेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए फेरस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो उसके ऊपर जो चार्ज था वो बढ़ गया पहले प्लस टू था प्लस थ्री मतलब इंक्रीज ऑफ चार्ज का मतलब ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन बहराज उसके उल्टा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज ऑफ चार्ज बोलेंगे रिडक्शन फॉर एग्जाम्पल इसने फेरस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होके उसका चार्ज घट के दो से घट के ज़ीरो हो गया सो so फाइनली हमारे पास थ्री कंसेप्ट है वन इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अदर इज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड लास्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज और एक इसके बाद कंसेप्ट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर लेकिन वो हम बाद में देखेंगे अभी तक हमने ये कंसेप्ट के ऊपर टेंथ तक पढ़ाई की है अब ऑक्सीडेशन स्टेट इन सभी कंसेप्ट का कंपाइलेशन एक जगह पे है तो वो समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए भी अच्छा कंसेप्ट है और इससे भी अच्छा मतलब मॉडर्न सबसे मॉडर्न कंसेप्ट ऑक्सीडेशन वाला है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है तो उसको ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका मतलब ये चार्ज की तरह ही हो गया चार्ज बढ़ जाता है तो ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है तो भी ऑक्सीडेशन है चार्ज डिक्रीज होता है तो रिडक्शन है वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो रिडक्शन है अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये चार्ज की तरह ही काम करती है लेकिन इससे थोड़ा मोर इलेबरेट और बड़ा कंसेप्ट है ये तो सबसे पहले देखते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ओके तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है चार्ज ऑन एलिमेंट वैन ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन हेट्रोलाइटिकली दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल एलिमेंट की होती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन ए सी एल है अगर इसके अंदर का बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली ब्रेक किया जाए अब ये बेसिकली आई एन सी है तो इसको हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं ऑलरेडी ये ब्रोकन फॉर्म में ही होता है मतलब ये माइनस होता है और ये प्लस होता है तो आपका फॉर्म होगा एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस सो so, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर जो चार्ज है वो है सो so, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन अब आयोनिक कंपाउंड में तो ये बहुत सिंपल होता है क्योंकि ऑलरेडी आयंस ही होते हैं और आयंस के ऊपर जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है अब बात आती है कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड में आपको करना एक ही है बॉन्ड को हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करना है सो so, सिंपली आप इसको ब्रेक करो हेट्रोलाइटिकली हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करते वक्त जो मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव है उसकी तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन सो so, ऐसा ब्रेक होने के बाद ये होगा एच प्लस इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज क्यों कैसे तो आपको पता होना चाहिए टेंथ क्लास में आपने पढ़ा है कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक हाइड्रोजन का होता है और एक क्लोरीन का होता है अब बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करने का मतलब होता है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ गए तब अब यहाँ पे सबसे पहले होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक आपको पता होना चाहिए देखिए होमोलाइटिकली ब्रेक करना मतलब यच सी एल इसमें एक यच का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देना और इसका इलेक्ट्रॉन इसको देना तो ये हो गया बॉन्ड का ब्रेकिंग जो कि होमोलाइटिक है इस तरीके से दिखाते हैं हाफ हेडेड आयरो से मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ गया एक हाइड्रोजन की तरफ मतलब ये पहले आइटम थे वैसे अभी फॉर्म हो गए ये और क्लोरीन के ऊपर क्रॉस। ना किसी ने किसी का चुराया ना किसी का लॉस हुआ जैसे पहले थे वैसे ही अब होम ये हो गया होमोलाइटिक बॉन्ड फ्रिजन होमोलाइटिक ठीक है अब हेड्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का वो दोनों के दोनों एक ही ले जाता है बॉन्ड ब्रेक करते वक्त तो इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया नेटशल और इसको एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया अब जिसको लॉस हो गया उसके ऊपर तो प्लस चार्ज आएगा और जिसको गेन हो गया उसके ऊपर तो माइनस चार्ज आएगा ठीक है ना तो ये हेट्रोलाइटिकली ब्रेक होने के बाद हाइपोथेटिकली इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ प्लस वन और इसकी है माइनस वन ये बॉन्ड ब्रेक करने की जो आदत है अभी अभी आपको फास्ट समझ में नहीं आ सकती है शायद लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही शुरू होगी तब आपको ये कई बार करना होता है और तब आप बहुत ही फ्लुएंट बन जाते हो बॉन्ड ब्रेक करने में अब यहाँ पे हेट्रोलाइटिकली अगर बॉन्ड्स ब्रेक किए जाए तो हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक करते वक्त ये याद रखना है दोनों इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसकी तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन ऑफकोर्स कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस बॉन्ड के अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके जाएगा दोनों ले जाने का मतलब है एक खुद ऑक्सीजन का था और दूसरा जो कि कार्बन का था वो दोनों के दोनों ऑक्सीजन ने ले लिए इसका मतलब ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ मतलब माइनस वन चार्ज और कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मतलब प्लस वन चार्ज सिमिलरली ये भी ऐसे टूटेगा तो और एक माइनस वन यहाँ पे और एक प्लस वन ये ऐसे टूटेगा इधर और एक प्लस वन इधर माइनस वन ये और टूटेगा इधर माइनस वन इधर प्लस वन तो आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा ऑक्सीजन के ऊपर टू माइनस कार्बन के ऊपर फोर प्लस ऑक्सीजन के ऊपर टू माइनस सो so, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू कार्बन की प्लस फोर ऑक्सीजन की माइनस टू सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो देखिए इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होंगे क्योंकि ऑफकोर्स सल्फ़र से ज़्यादा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कुल मिला के सल्फर के ऊपर प्लस छः चार्ज आ जा जाता है ऑक्सीजन के ऊपर देखिए ये ऐसे ब्रेक होगा तो माइनस दो इसके ऊपर प्लस वन इधर भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये प्लस टू और यहाँ आएगा सॉरी यहाँ पे कितना आएगा माइनस टू बात क्लियर है राइट तो इस तरीके से आपको बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है ऑक्सीजन की माइनस टू है हर जगह पर हाइड्रोजन की प्लस वन और सल्फर की प्लस सिक्स अब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है बहुत ही सिंपल है इसके बारे में डिटेल में आपको बॉन्ड चैप्टर में हो जाएगा अब आपको बस इतना ही याद रखना है कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ए और बी के बीच दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं एक ए ने दिया है और दूसरा बी ने दिया है दिस इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है ये और बी के जो बीच का बॉन्ड है उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों एक ही एटम ने दिए हैं इसका मतलब ए और बी के बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने ही दिए है ऐसा क्यों है किस लिए है यह सब बॉन्ड चैप्टर में पता चलेगा जो कोहलेंट बॉन्ड है जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक के ही होते है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उसे इस तरीके से डिनोट करते हैं इस एटम को बोलेंगे जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं डोनर एटम इसको बोलेंगे एक्सेप्टर एटम ये जो डोनर है इसको और एक नाम है लिगैंड सो ये डोनर की तरफ से एक्सेप्टर की तरफ एरो होना चाहिए और ये दोनों के दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब जो डोनर है उसके तो सिंपल सी बात है अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड हम निकालेंगे ये जो स्ट्रक्चर मैं निकाल रहा हूं ये आपको अभी नहीं आएंगे आपको आएंगे ये बॉन्ड चैप्टर होने के बाद तो आपको क्वेश्चन में ऐसे स्ट्रक्चर दिए होंगे ऑलरेडी अब इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है अब देखो सबसे पहले एक सीधी बात बताता हूँ मैं इसको स्टडी करने से पहले यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं ए और बी बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ के दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी के हैं और समझो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ठीक है बी तो ऑफकोर्स इसको हेट्रोलाटिकली ब्रेक करने के बाद ये दोनों ले जाएगा तो ए को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ दो इलेक्ट्रॉन का याद रखना है क्योंकि दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन से सो यहाँ पे आएगी प्लस टू चार्ज और यहां पे आएगा माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट राइट अगर ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और बी की जगह पर ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड ब्रेक हेट्रोलॉटिकली होने के बाद इधर ही दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे ए को कितना लॉस हुआ या गेन हुआ नहीं ए को बिल्कुल लॉस और गेन नहीं हुआ क्यों क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए लेकिन ये दोनों इसके ही थे तो इसको ना लॉस हुआ ना गेन इसको भी ना लॉस हुआ ना गेन तो उस समय इसके ऊपर ए बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जीरो चार्ज आता है और इसके ऊपर भी जीरो ये दोनों केसेस को देख लो अगर डोनर आइटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये दूसरी केस अगर डोनर आइटम इलेक्ट्रो निगेटिव है अगर होम अगर ये कोवलेंट बॉन्ड होता तो कैसा होता देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाते अगर बी इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसके ऊपर प्लस आता और इसके ऊपर माइनस आता तो यहां पे देखो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो इस बॉन्ड की वजह से एक माइनस चार्ज इस बॉन्ड की वजह से और एक माइनस चार्ज अब ये ऐसे ब्रेक होगा लेकिन डोनर एटम ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा उस बॉन्ड की वजह से इस बॉन्ड की वजह से और एक माइनस चार्ज सो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस थ्री आया कार्बन के ऊपर प्लस टू हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन ये है ऑक्सीडेशन स्टेट्स अब यहां बॉन्ड्स ब्रेक कैसे होंगे नहीं गलत हो गया क्यों क्योंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है ऑक्सीजन आपको ऑर्डर पता होनी चाहिए सबसे बड़े इलेक्ट्रोनिगेटिव पीरियडिक टेबल में है फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ये क्लोरीन नियरली सेम है फोन कॉल ऐसे ट्रिक है इसकी तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन नाइट्रोजन अब बाकी तो इससे कम ही है कार्बन और कार्बन से भी कम हाइड्रोजन है तो ये इस तरीके से जाएगा अब ये इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से प्लस वन तो यहां पे माइनस वन ये भी ऐसा जाएगा प्लस वन माइनस वन इसकी वजह से प्लस वन माइनस वन अब इसकी वजह से जीरो आएगा या प्लस टू यस प्लस टू क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं नाइट्रोजन के लेकिन वो चुराए ऑक्सीजन ने तो यहाँ माइनस टू तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुल मिला के इसकी आ जाती है प्लस वन इसकी देखो वन एंड वन टू टू एंड टू, टू फोर माइनस वन मतलब प्लस थ्री ये माइनस टू और ये माइनस टू इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक एलिमेंट के आप निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेम एटम्स है सेम एटम्स है तो बॉन्ड को आपको होमोलाइटिकली ही ब्रेक करना होगा जैसे कि अगर आपके पास है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड अब यहाँ तो बॉन्ड ब्रेक होगा हेट्रोलाइटिकली यहाँ भी हेट्रोलाइटिकली लेकिन ये बॉन्ड दो सेम एटम्स है तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो आपको होमोलाइटिकली ही ब्रेक करना होगा इसको मतलब इसको ऐसे इसको ऐसे तो इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर माइनस वन आया इसके ऊपर प्लस वन इसकी वजह से माइनस वन इधर प्लस वन लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि हर एटम ने अपना अपना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ही ले लिया सो तो किसी को लॉस भी नहीं हुआ किसी को गेन भी नहीं हुआ सो तो इसकी वजह से ज़ीरो ज़ीरो सो तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के माइनस वन माइनस वन प्लस वन इसको एक्चुअली बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच के बीच बॉन्ड के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये परऑक्साइड लिंकेज होती है और इसीलिए हर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी होते हैं, क्योंकि एलिमेंट कैसा होता है एक तो O2 O3 H2 Cl2 तो इसमें जो भी बॉन्ड्स है वो एटम्स के बीच सेम एटम के बीच में है देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या कौन सा बॉन्ड हो सेम एटम है तो होमोलेटिकली ब्रेक करना है और इसीलिए एलिमेंटल फॉर्म में हर एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही रहती है इसके बाद है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको याद रखना है फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा है एलिमेंट सॉरी स्ट्रक्चर अगर आप इसको ब्रेक करोगे देखो लेकिन इसको होमोलाइटिकली करो ठीक है अभी ये मैं पूरा नहीं करता हूं अगर देखोगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू आएगा इसके ऊपर भी माइनस टू आएगा वैसे ही इसके ऊपर भी माइनस टू आएगा लेकिन इसके ऊपर आएगी चार्ज माइनस वन इसके ऊपर आएगा माइनस वन तो ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है इस एलिमेंट में सॉरी इस मॉलिक्यूल में तो आपको बताना होगा कि अलग अलग ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है तो यहाँ पर कभी कभी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताती है तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे देखिए टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का समीक्षण करेंगे और टोटल ऑक्सीजन आइटम से उसको डिवाइड करेंगे टोटल कितना हो जाता है माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू और ये माइनस टू तो कितना हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सो माइनस ट्वेल्व ये है माइनस थर्टीन और माइनस फोर्टीन सो टोटल इज़ माइनस फोरटीन डिवाइडेड बाई टोटल ऑक्सीजन आइटम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है एवरेज ये या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेवन बाय फोर माइनस सेवन बाय फोर इसको आप फ्रैक्शन में भी डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो फोर वन ज फोर पॉइंट फोर सेवन जवेंटी एट फोर फाइव ज फिफ्टी सो माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन दिस होल मॉलिक्यूल लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक ऑक्सीजन की सेम नहीं है कुछ की अलग है और कुछ की अलग है अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए और एक सिंपल सी मेथड है उसको बोलते हैं इक्वेशन मेथड इक्वेशन मेथड का मतलब होता है इक्वेशन यूज करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं लेकिन ये इम्परफेक्ट मेथड है देखते हैं कैसे जो अभी अभी हमने देखी थी वो परफेक्ट थी जो एक है इक्वेशन मेथड दूसरी अभी देखी हमने उसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग स्ट्रक्चर से निकालनी है वो करेक्ट है ये जरा इनपरफेक्ट है तो ये तो हमने देखी अब ये देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इस लेकिन इसके लिए कुछ बातें याद होनी चाहिए वो ऐसी तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज दिए हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रिमेंबर करनी है और उनके एक्सेप्शन भी आपको रिमेंबर करने हैं राइट रट लेना है ग्रुप वन टेबल का ग्रुप वन है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज प्लस वन होती है लेकिन एलिमेंटल स्टेट में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है देखिए किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है ये याद रखना है कभी भूलना नहीं है ये राइट उसके बाद ग्रुप टू उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है सेम एलिमेंटल फॉर्म में जीरो है एक्सेप्शन एल्यूमिनियम की प्लस थ्री रहती है सेम एक्सेप्शन एलिमेंटल फॉर्म में जीरो ठीक है उसके बाद है फ्लोरीन आपका उसकी ऑक्सीडेशन रेट अलवेज माइनस वन होती है एलिमेंटल फॉर्म में जीरो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज माइनस टू होती है लेकिन एक्सेप्शन है एलिमेंटल फॉर्म में ऑफकोर्स जीरो उसके बाद जब वो परऑक्साइड फॉर्म करता है तो उसमें माइनस वन आयन देखिए इस तरीके से होता है फॉर एग्जाम्पल ये परऑक्साइड है हाइड्रोजन परऑक्साइड ये परऑक्साइड है बेरियम परऑक्साइड ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होती है परऑक्साइड आयन को इस तरीके से डोनेट करते हैं ये डिनोशन है उसका उसके बाद है अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस टू ये कुछ गलत लिखा है मतलब ओ याफ टू ऐसा अगर कंपाउंड है देखिए ओ य सिंपल है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना तो ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा तो प्लस टू आएगी और सुपर ऑक्साइड्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है माइनस वन बाई टू ये होते हैं सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड ये देखिए इनको भूलना नहीं है सुपर ऑक्साइड में होती है माइनस वन बाई टू पर ऑक्साइड में होती है माइनस वन सबसे पहले ये ऑक्सीजन के आयन्स देख लो आप जरा कौन से कौन से देखिए ऑक्सीजन एलिमेंट होता है ऐसा इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़ीरो ऑक्साइड आयन है ऐसा फॉर एग्जाम्पल ये है उसका एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है माइनस टू पर आयन इस तरीके से होगा फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम परसाइड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी हर एक ऑक्सीजन की माइनस वन दोनों के ऊपर माइनस टू इसका मतलब एक के ऊपर माइनस वन और सुपर ऑक्साइड इस तरीके से होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम सुपर ऑक्साइड यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की माइनस वन बाई टू और फ्लोरिन के साथ जब वो कंपाउंड बनाता है फॉर एग्जाम्पल ओ एफ टू तो यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस टू ये सब रटना है अब फ्लोरीन हुआ उसके बाद ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीजन के बाद अदर हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन को छोड़ के बाकी के हेलोजेंस उनके ऑक्सीजन स्टेट ज्यादातर माइनस वन होती है लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड के साथ इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर कोई है तो उसके साथ उनके ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे आयोडीन आयोडीन की सोडियम आयोडाइड के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी माइनस वन लेकिन अगर ये आयोडीन इस तरीके से कंपाउंड बनाता है आई एफ सेवन मतलब फ्लोरिंग के साथ तो सभी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक होंगे ये आई और ये F, ये आपको बाद में सभी स्ट्रक्चर है ये केमिस्ट्री में अभी इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है ठीक है कितने हो गए छ ये अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है अगर हेट्रोलैटिकली ब्रेक करोगे इस तरीके से सभी बॉन्ड्स को तो प्लस सेवन वैसे ही आई एफ फाइव में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस फाइव ठीक है ओके क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ काम कर रहा है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पे माइनस टू आएगा और इसके ऊपर माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हाइड्रोजन के ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादातर माइन प्लस वन होती है लेकिन हाइड्राइड्स में मेटल्स के साथ अगर उसने हाइड्राइड बनाया तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट माइनस वन हो जाती है जैसे कि सोडियम हाइड्राइड है ठीक है ना बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑफकोर्स सोडियम तो मेटल है इलेक्ट्रॉन लेने वाला है नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ऑफकोर्स इसके ऊपर माइनस वन चार राइट तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको रटना है तो इक्वेशन मेथड से हम एच टू एस ओ फोर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मतलब एच टू एस ओ फोर के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये किस तरीके से काम करता है देखिए टेबल याद होना चाहिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हर बार प्लस वन होती है अगर एक्सेप्शन नहीं है तो ऑक्सीजन की होती है माइनस टू अब इसकी निकालनी है तो इसको हम एक्स बोलेंगे अब आपको ये याद होना चाहिए कि समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट होल कंपाउंड ये होना चाहिए आपको आयन है तो चार्ज आएगा कंपाउंड अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो चार्ज जीरो आएगा जैसे कि यहां पर चार्ज जीरो है तो समीशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू नहीं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा मतलब टू मल्टीप्लाइड बाय वन इसका तो इधर वन है तो वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ये फोर मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू होगा मतलब ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है उससे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू चार्ज है ज़ीरो अब इसको सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशन को तो आपके पास आएगा एक्स इक्वल टू सिक्स सो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सिक्स है हम और एक एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमको निकालनी है देखिए टेबल में जो दिए हैं, वो तो याद होनी चाहिए अब इसकी निकालनी है तो इसको एक्स मान लो इसकी पता है टेबल से माइनस टू होती है समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट की समेशन ये वन है वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन सो आपका आएगा एक्स इक्वल टू फोर सो फोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन दिस कार्बोनेट आयन लेकिन इस इक्वेशन मेथड से कभी कभी गलतियां भी हो जाती है एक तो ड्रॉबैक्स इसके क्या कहे देखिए एक तो इंडिविजुअल एटम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से मॉलिक्यूल है H2, टू एच टू ओ सेवन या फिर मैं, जो मैंने पहले बताया था ये इस तरीके से मॉलिक्यूल है कुछ भी फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा अगर है यच टू एच टू ओ सेवन ओलियम है ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन यह इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं यहाँ पे कोई गलती नहीं होती दूसरा ले लेंगे हम इसी टाइप का थोड़ा अलग जो मैंने पिछली बार बताया था जहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट अलग, अलग अलग आती है मतलब यहाँ पे दो ऑक्सीजन ऐसा है तो आपको पता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन आई थी और इनकी माइनस टू आई थी मतलब अलग अलग ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आती है डिपेंडिंग अपॉन बॉन्डिंग तो ये एच टू एच टू ओ ओट है लेकिन इक्वेशन मेथड से अगर आप निकालोगे ये जो पहले निकाला था ये बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से था जो कि परफेक्ट मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की अब दूसरी जो सिंपल मेथड है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन मेथड तो इक्वेशन मेथड से अगर आप निकालोगे यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम माइनस वन और माइनस टू अलग अलग नहीं ले सकते बिकॉज़ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर सो मैं तो यहाँ पे अगर निकालना चाहूँगा भी तो गलत आ जाएगी जैसे कि यहाँ पे सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है प्लस सिक्स तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप x नहीं ऑक्सीजन के अगर आप माइनस टू मान लोगे इसकी x मान लोगे तो इसकी प्लस वन मान लोगे उस टेबल के अकॉर्डिंग तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा वन इंटू टू प्लस टू इंटू एक्स प्लस एट इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो ये एट टू जो माइनस सिक्सटीन प्लस टू माइनस फोर्टीन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू सेवन आएगा लेकिन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी है यहाँ पे प्लस सिक्स है तो इक्वेशन मेथड से जब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है सो दिस इज वन ड्रॉबैक और फिर अगर आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालनी है फॉर एग्जाम्पल आपको सल्फर की सिक्स दे रखी है और ऑक्सीजन की निकालने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पे आपको सिक्स लेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन की एक मानेंगे तो ऑक्सीजन की एकवल टू माइनस टू आएगी अगर सॉल्व करोगे तो उल्टा लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं माइनस टू नहीं आएगी देखिए अलग आएगी एवरेज दिखाएगा ही कैसे देखिए इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे टू इंटू वन टू टू इंटू सिक्स सिक्स टू ज और ये एट इंटू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये आपका एक्स इक्वल टू आएगा माइनस टेन बाई एट जो क्या आपका माइनस फाइव बाय फोर जो क्या आएगा आपका माइनस वन पॉइंट टू फाइव एक्चुअली आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए एक की माइनस टू और दूसरे की माइनस वन लेकिन ये ना एवरेज करके बताएगा सो इक्वेशन मेथड गिव्स यू एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नॉट द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स हमने एच एन ओ थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एच थ्री में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी जो कि आई थी आपकी माइनस थ्री प्लस थ्री आई थी राइट करके देखा था हमने पीछे अब इस इक्वेशन मेथड से देखते हैं ए है प्लस वन इसकी रहती है माइनस टू तो इसकी निकालनी है एक्स तो इक्वेशन आएगा आपका वन प्लस एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू आपका आंसर आता है फाइव मतलब इक्वेशन मेथड से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है फाइव लेकिन एक्चुअली है प्लस थ्री क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आता है तो इक्वेशन मेथड फेल होती है राइट इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है तो भी ये फेल होती है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर है तो भी ये मेथड फेल होती है सो इक्वेशन मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड मतलब स्ट्रक्चर में बॉन्ड ब्रेक करने वाली मेथड इसमें से ये इम्परफेक्ट है और ये परफेक्ट है